में भी सोच सकते हो, भारत में बहुत सारी लड़कियां आलसी है, उनको एक ऐसा बॉयफ्रेंड चाहिए या ऐसा पति चाहिए जिसके पास अच्छी नौकरी हो, जिसके पास घर हो, जिसको अश्योरेंस हो कि उसको इंक्रीमेंट्स मिलने वाले हैं, लेकिन उस लड़की में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो कह पाए कि मैं क्या करूँगी जब तुम मुझसे शादी करोगे। आई वॉन्ट तालिया ऑन दिस। मैं आप सभी को अपील करना चाहती हूँ, प्लीज़ बैठिए मंजू, आप सभी को आह्वान करना चाहती हूँ कि आप आपके घर में ऐसी लड़कियाँ, ऐसी स्त्री निर्माण कीजिए जो एबल है, जो अपने आप के लिए कमा पाए, जो कह पाए कि हाँ हमें घर में नया फ्रिज लेना है ना, आधे पैसे तुम दो आधे पैसे मैं दूंगी। मैं झगड़े नहीं कह रही हूँ, कि झगड़ा करने की बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन उसमें इतनी काबिलियत हो, क्योंकि मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं, मेरी एक दूर की दोस्त है, मैं डिटेल्स नहीं बताऊंगी, लेकिन वो लड़का ढूंढ रही थी शादी के लिए, उसने मुझे कहा कि 50,000 के नीचे तो नौकरी चाहिए ही नहीं, और अच्छा होगा कि वो अलग रहता होगा, किसको चाहिए सास ससुर की झंझट, और उसके पास फोर व्हीलर तो होनी चाहिए। मैंने कहा तुम कोई मॉल में आई हो, तुम्हें एक इंसान चाहिए कि कोई ऑफर्स चाहिए? इट इज़ सो ह्यूमिलिएटिंग। और मुझे ऐसा लगता है कि 18 साल के जब हो जाते हैं लड़के, तो उन पर प्रेशर रहता है, मर्द बॉयज तो उन पर प्रेशर रहता है कि अब पढ़ाई खत्म होने को है बॉस, बस हो गया, मस्ती मजाक कमा लो, फैमिली को सपोर्ट करो। और आई फील लाइक क्राइंग फॉर माई ब्रदर्स, माई हस्बैंड गॉट सिलेक्टेड फ्रॉम द कैंपस इंटरव्यू व्हेन ही वॉज ऑल ऑफ 20 एंड ही हैज स्टार्टेड अर्निंग। Why? जबकि लड़कियां 25 साल 27 साल की हो जाए तब तक सोचती रहती है और बॉयफ्रेंड पे प्रेशर डालती रहती है कि सॉरी इंडिया में नहीं चाहिए हनीमून, हनीमून तो होगा तो फॉरेन में होगा। और अब तो पूछो ही मत, डेस्टिनेशन वेडिंग्स हैं, प्री वेडिंग शूट्स हैं, रील्स हैं, उसका सारा खर्चा वो बॉयफ्रेंड या होने वाला हस्बैंड ही उठाएगा। क्यों? अगर आपको ये सब ऐशो आराम की जिंदगी चाहिए तो आप क्या कमाओगी? आपको भी खुद को, आप पढ़ो, आप नौकरी ढूंढो, आप जाओ 4 ऑफिसेस में, पूछो कि क्या मुझे काम मिल सकता है। ये नहीं होता। और लड़कियां ये बोलती है कि तुमने मुझ मेरी तरफ ऐसे क्यों देखा, ये थोड़े ना हक होता है। आपको अप्रिसिएशन भी नहीं चाहिए, आपको किसी ने आपको अच्छा बोला तो आप HR को रिपोर्ट करोगे, पता है उन्होंने कहा कि ऐसे कपड़े क्यों पहने। अरे बात तो सुन लो, इतनी क्यों एज पे रहती हो? मैं परसेंटेज की बात नहीं कर रही हूँ, नॉट ऑल द वुमेन आर लाइक दैट, बट दिस अग्रेशन, दिस डिमांडिंग नेचर इज ग्रोइंग क्वाइट अ लॉट, वेर इन आई फील दैट वी हैव टू जस्ट लुक एट द सिचुएशन विद अ सर्टन अमाउंट ऑफ हम्बलनेस एंड इक्वालिटी, दैट यू ऑल्सो ओ समथिंग टू द फैमिली। बिल्स भरना सिर्फ आपके हस्बैंड का काम नहीं है। आप बोलो ना कभी कि तुम छोड़ो यार, अगले 6 महीने तुम्हें छुट्टी है, देखो क्या स्माइल मिलती है। और मुझे, आई फील रियली प्राउड टू से दैट आई रियली केयर फॉर ऑल द मेन इन माई लाइफ, बी इट एनी वन, आई केयर फॉर देम, बिकॉज द अमाउंट ऑफ ट्रस्ट वी एक्सचेंज, मुझे लगता है कि सिर्फ खाना, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है खाना बनाना, मैं कभी कभी जब एक्सप्रेस नहीं कर पाती हूँ अपनी इमोशन को तो कुछ बना लेती हूँ मैं, एक बहुत 4-5 मेरी फेवरेट डिशेस है वो बना लेती हूँ और वो मैं दे देती हूँ, मुझे लगता है वो मेरी तरफ से सबसे बड़ा प्यार होता है। लेकिन खाना बनाने से आगे और भी चीज़ें होती है जो आप अपनी फैमिली को, अपने पार्टनर को ऑफर कर सकती हैं। तो मुझे लगता है आज ज़रूरत है उन सारे महिलाओं की जो ये कह पाए कि परसेंटेज हमें आरक्षण में इतना मिला है, वो अलग बात है, वो सरकार की जिम्मेदारी है और गवर्नमेंट अपनी जिम्मेदारी अपने तरफ से निभा रही है, कुछ जिम्मेदारियां हमारी भी होती है एंड वी डेफिनेटली नीड टू अंडरस्टैंड दोज रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड बेयर देम। वेल डन। सो द लास्ट क्वेश्चन मैम, एक मंत्र जो हम सब के लिए बहुत अच्छा हो जाए, आपकी लाइफ का कौन सा मंत्र है जो आपको हर जगह पे पॉजिटिव रखता है?